कैसे तो हम लोग को मिला, मेरे को इतना अच्छा से याद भी नहीं है। खोजते खोजते हम लोग गए, जाने के बाद मिला, मिलने के बाद हम लोग मतलब उसी प्रकार से मतलब उन लोग का प्रेम, उन लोग का मतलब जब भी हम लोग मतलब उधर जाते थे, उन लोग बहुत प्रेम करते थे नेपाली भाई बहन लोग। और आओ ना आप लोग संगति में, क्यों नहीं आते हो, आप लोग को आना है, बोलता था। नहीं नहीं हम लोग तो बैप्टिस्ट चर्च का है, हम लोग तो उधर ही जाते हैं, बोल करके हम लोग बोलते थे। बोलते नहीं नहीं उधर जाने से कभी कभी जाइए, लेकिन यहाँ सामने में है, इधर आओ ना बोल के बोलते। उस समय हमारा सामंग अंकल भी है और जेम सिंह अंकल भी थे और उस पर में स्टेफिन थापा अंकल, वो लोग भी थे। तो वो लोग हम लोग के पास आना जाना एक सप्ताह अगर हम नहीं जाने से, वो लोग आ जाते थे विजिटिंग करने के लिए। मतलब इतना प्रेम, उतना स्नेह। ऐसा तकलीफ का समय हमारे चर्च के भाई बहन लोग हम लोग को बहुत संभाला, बहन हो भाई हो, और हम लोग को बहुत उत्साह किया और हम लोग को बहुत देखभाल किया वो लोग, और हम लोग को गलत संगति में पढ़ने नहीं दिया। जब से होश संभाला हम लोग कहाँ पाए, प्रभु के घर में पाए। जब यहाँ पर हम लोग माइकुली चर्च में आने लगे, माइकुली में माउंट ग्रिजिम बोलने लगे चर्च थी हमारा, दादा को जितने दादा को मालूम है ये सारे बातें। हम लोग को वहाँ पर परीक्षा आना शुरू हो गया। कैसे परीक्षा बोले से, अब तो ये लोग दूसरा चर्च में चला जा रहा है, नेपाली चर्च में, अब हम लोग का चर्च में नहीं आ रहा है ये लोग, हम लोग का चर्च में दान नहीं डालता है ये लोग, चर्च में जो अटेंडेंस है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, साल में कितना आना है, कितना दान देना है, कितना उन लोगों का सब कुछ होता है। तो वो लोग बहुत नाराज़ हो गए। एक दो बार वार्निंग भी दिया हम लोगों की, तुम लोग दूसरा चर्च में मत जाओ, तुम लोग हमारे चर्च में आओ बोल करके। बैप्टिस्ट चर्च में ऐसा बहुत सारे नियम कानून सब होती है, तो कई बार वो लोग हम लोग को वार्निंग सब देते थे, लेकिन हम लोग क्या है, बहुत दूर भी होता था, पैसा का खर्चा भी होता था, सब बच्चों को लेकर कैसे जाना है बोल करके हम लोग नहीं जा पाते थे। तो हम लोग इस नेपाली चर्च में ही, हमारा अंकल स्टेफिन जो थे वहाँ पर, हम लोग माउंट ब्रिजिम में हम लोग जाया करते थे, और प्रभु के वचन वहाँ पर हम लोग को बहुत अच्छी तरह सिखाया गया, गीतों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, वचनों के द्वारा। हम लोग बहुत उत्साहित हुए, हम लोग वचनों को खोलने जाने, बाइबल को पढ़ना जाने, और इस प्रकार से उन लोगों का संगति हम लोग को बहुत अच्छा लगने लगा। संडे स्कूल में जाते थे और प्रचार में जाया करते थे। इस प्रकार से हमारा जीवन मतलब बीतता गया और हम लोग प्रभु में आस्ते 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 बढ़ने लगे। तो उस बैप्टिस्ट चर्च से हम लोग को बहुत परीक्षा, प्रभु ने हम लोग को कितना सहायता किया, सामर्थ्य दिया। बोले से एक दिन बहुत बड़ा मीटिंग रखा वो लोग, और मंडली के जो उस बैप्टिस्ट चर्च के जो बड़े लोग हैं, जो मतलब पास्टर्स है, जो वहाँ के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हम लोग को घर में मतलब अपना हमारे घर में आया गुवाहाटी में, इधर में चर्च से बहुत बड़ा मीटिंग रखा। ऐसे ही लोग थे वहाँ पर में, और सभा करने लग गए, तुम लोग चर्च में नहीं आता है, तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, तुम लोग को मंडली से रजिस्टर से नाम काट देगा बोलता है, तुम लोग मरने से तुम लोग को मिट्टी नहीं देगा, तुम लोग का शादी ब्याह में हम लोग आगे नहीं आएगा, तुम लोगों को अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं, तुम लोग को इतना वार्निंग देने से भी तुम लोग चर्च में नहीं आ रहे हैं बोल करके उधर सरसलक करने लग गया। और उस समय हम लोग बहुत डर गए, लेकिन प्रियो हमारा भाई जो जॉन है थोड़ा मतलब अच्छा था, वचन वचन उस समय थोड़ा जानने लग गया था, थोड़ा सा बड़ा था शायद 12-13 साल या 14-15 साल के इस प्रकार से होगा शायद वो उस समय, मेरे विचार से, मेरे को इतना अच्छा याद नहीं है, लेकिन वो बोलता है उस समय उस मीटिंग के समय हम भी थे। तो जॉन भाई बोलते ठीक है, नाम काटने से भी कोई बात नहीं है, हम लोग का नाम तो जीवन के पुस्तक में लिखा है, ये वाला बात को बोला उसने। अरे बाप रे, पास्टर सुन के एकदम आश्चर्य हो जा रहा है, कैसा ये बात बोलते, जीवन के पुस्तक में नाम लिखा है बोल करके, और बोलते तुम लोग मरने से तुम लोग को कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं देगा बोलता है, नहीं दफनाएगा तुम लोग को, कहाँ तुम लोग जाएगा, जाओ बोल कर बोलते। ठीक है, आत्मा प्रभु लेके जाने से भी क्या बात है, शरीर तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा बोल के वो ऐसा करके सवाल उन लोग का जवाब दे रहा है, तर्क वितर्क हो रहा है वहाँ पर में, बहुत गुस्सा होकर के वो लोग वहाँ से चला गया उठ करके सब कोई। उसके बाद हम लोग का नाम वहाँ से काट दिया गया मंडली से, वो लोग बैप्टिस्ट चर्च से, और उसके बाद से हम लोग हमेशा इस माउंट ब्रिजिम में हम लोग संगति करने लग गए, और माउंट ब्रिजिम में संगति करते बहुत कुछ सीखे, प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम लोग जाने, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम लोग जाने, लड़कपन से छोटेपन से प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम लोग बहुत अच्छे से जाने,
वो लोग एक दिन हम लोग संगति में नहीं जाने से घर में आ जाता था नेपाली भाई बहन लोग। उस समय कैलिंगपुंग से भी हमारे भाई बहन लोग आते थे, नमचर दीदी और जो बड़ी दीदियाँ हैं शांति बरबर आंटी और जो बड़े बड़े दीदियाँ लोग हैं, हमको नाम इतना अच्छा से याद नहीं आ रहा है, वो लोग आते थे विजिटिंग करते थे। हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग को लेकर मतलब वचन सुनाकर हम लोग को आत्मिक रीति से हम लोग को बलवंत करते थे, उत्साहित देते थे और हम लोग को इस प्रकार से लेकर चला। और स्कूल को छोड़ छोड़ के हम लोग हमारा स्टेफिन अंकल तमंग भाई लोग के साथ में हम लोग कहाँ कहाँ प्रचार जाते थे। घर में तो उस प्रकार का अशांति है ही है, माँ तो अपनी ड्यूटी में व्यस्त है, पिताजी अपने पीने खाने में लगा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या है परमेश्वर की संगति में हम लोग पाए गए। तीनों बच्चे और बड़ा भाई दोनों उस जगह में काम करने में लग गए। वो लोग अपना वहाँ पर मतलब है काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा भी उन लोग को देते थे, बड़ा भाई सोलोमन भैया को, जोड़न भाई को, और हम लोग का खर्चा माँ उठाती थी। और इसी प्रकार से हम लोग जीवन यात्रा में हम लोग आगे बढ़ते गए, प्रभु के प्रेम को जानते गए। प्रियो, हम लोग प्रभु के संगति में जब से आए परमेश्वर के लोगों ने हम लोग को संभाला। मेरे माँ को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, ऐसा कोई दिन नहीं है जो माँ हम लोगों को प्रभु के घर में मत जाओ बोल के बोलती थी। जब प्रभु को जान गई एकदम हर सप्ताह प्रभु के घर में हम लोग को लेके जाना किया करते थे। प्रभु के वचन समझे नहीं समझे जो वो सीखी समझी हम लोग को समझाती थी। अनपढ़ औरत हम लोग को सिखाती थी, ऐसे करना है बच्चा, ऐसे करना है बेटा, ऐसे गलत संगति नहीं करना है, बहुत अच्छा से हम लोग को शिक्षा दीक्षा देती थी और हम लोग को लेके चलती थी और प्रभु के लोग हम लोग को गाइड करते थे। और प्रभु के अनुग्रह में हमारा भाई बहन लोग कोई भी खराब नहीं हुआ, ना कोई नशा करते थे, ना कोई पीना खाना करते थे। और प्रभु के संगति में अगर ऐसे अगर संसार में रहते थे तो शायद शायद इस प्रकार से प्रभु के संगति में नहीं होते, या तो प्रभु के प्रेम को हम लोग नहीं जानते। संसार के लोगों के साथ खाना पीना कर कितना व्यभिचार में हम लोग अपना जीवन को व्यतीत करते थे। आजकल का जवान बच्चा कितना बिगड़ गए, वैसे हम लोग नहीं बिगड़े क्योंकि हम लोग प्रभु के घर में हम लोग हमेशा आया करते थे। बाप से प्रेम हम लोग को उतना नहीं मिला, लेकिन माँ हमको संभाली, मंडली में प्रभु के लोग हम लोग को संभाला शिक्षा दीक्षा देकर, हम लोग का तामंग भाई बाबा का समान हम लोग को शिक्षा दीक्षा देकर प्रभु के प्रेम में हम लोग को लेकर चलता था और उत्साहित करता था सेवा संगति के लिए। कभी कभी पैसा नहीं होता था, हिंदू में छोरी भाई चलो ना हो जाएगा, प्रभु सहायता करेगा। और यहाँ तक भी हम लोग प्रचार करने के लिए आते थे। उस समय जितन दादू का शादी भी नहीं हुआ था, हम लोग का कालेब दादा उस समय प्रभु में भी नहीं थे। हमारा अंजलि दीदी आया करती थी उस समय प्रभु के घर में आकर दादा के लिए बहुत प्रार्थना करती थी, रो रो करके, प्रभु मेरा पति को आप ही बचाओ बोल करके। ये हम गवाह हैं प्रभु के घर में, हम एक बात खड़ा करके बोल रहे हैं, हमने हमारा दादा जीतन का शादी भी देखा यहाँ पर। मैं स्टेफिन अंकल के साथ में इतना बड़ा बड़ा बैग सिर में लेकर के हम लोग कहाँ मतलब शिलोंग से भी और आगे आगे शिलोंग और कहाँ हम लोग को स्कूल मतलब ऐसे मतलब गैप करके हम लोग प्रचार में जाते थे, ठंडा में गर्मी में प्रचार में। अंजलि दीदी गवाह कल भी वाला बात को बोल रही थी, बाप रे इतना छोटे छोटे बच्चे लोग कैसे इतना बड़ा बड़ा बैग लेके प्रचार कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर हाट बाजार होती है उस जगह में भी प्रचार करते थे हम लोग। ऐसा हमारा जीवन बीता, प्रभु की संगति में हम लोग इस प्रकार से बने रहे, बढ़ते गए। हम लोग यहाँ पर संगति आने के बाद यहाँ पर काम भी शुरू हुआ, प्रभु का काम। तो परमेश्वर ने सारे बातों को यहाँ पर दिखाया। प्रभु पाने के बाद मैं 1992 में प्रभु को पाई और मुझको जो है 1992 को परमेश्वर का दास भाई स्टेफिन ने मुझे बैप्टिसम दिया। और इस प्रकार से मेरा जीवन बीतते गया। पढ़ाई भी हो रहा है और इधर सेवा संगति भी हो रहा है, गलत संगति से हम बच रहे हैं। और इस प्रकार से करते करते प्रभु के सेवा में भी आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के प्रेम को भी जानते गए। और इस प्रकार से बढ़ते हम यहाँ तक आए। कोई भी बच्चा खराब नहीं हुआ, मेरा भाई बहन लोग सबको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा और संभाला, प्रभु अपने अनुग्रह में रखा। और माँ हमको शिक्षा दीक्षा देती थी, उस प्रकार से हम बढ़ते प्रभु के प्रेम में हम लोग यहाँ तक आए। और जब मैंने 1992 को प्रभु को ग्रहण किया, विश्वास किया, पानी का गवाह दिया और प्रभु का संगति मुझको बहुत अच्छी लगती थी प्रियो। और हमेशा प्रभु की संगति में कहीं भी क्वार्टर्स मीटिंग हो, कहीं भी प्रेयर मीटिंग हो, कहीं भी कुछ भी हो, संगति में
हम लोग मैं जाती थी, दूसरा के बारे में नहीं बोलूँगी, मैं जाती थी संगति में और प्रभु के दास दासी लोग भी बहुत प्रेम करते थे और संगति में आते 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 प्रभु ने बहुत आशीष दिया। तो इस प्रकार से क्लास नाइन या टेन में अपेयर की थी सेवा, मतलब ये करने के लिए। तो मुझको संगति बहुत अच्छा लगता था। तो अंकल से मैं बोली कि अंकल मुझको सेवा करना है, अंकल हमको सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, बोल करके मैं हमारा अंकल था मंग अंकल को बोली। तो अंकल हमको बोलता है सेवा करना तो बहुत मुश्किल है छोरी, कैसा तुम सेवा करोगी, तुम तो एक ही लड़की हो और तुम्हारा घर से तो तुमको तो छोड़ेगा नहीं, बोल करके वो तम अंकल बोलता था। नहीं अंकल हमको सेवा करने का बहुत मन है, थोड़ा से हम जाएगा देखेगा कैसा क्या होता है, बोल करके हम अंकल को बोले। तो मंडली से हमको लेटर लिख करके मंडली से हमको एलसदाय कैलिंगकोंग संगति के लिए कुछ दिन के लिए भेजा। तो संगति मतलब वहाँ पर मैं कुछ साल रही। कब गई बोले से संगति के लिए दिखा रही हूँ, मैं डेट भूल रही हूँ, थोड़ा सा रुकिए मैं बता रही हूँ। नाइनटीन नाइन्टी सिक्स में प्रभु के दास ने भाई तामंग ने मंडली रूप से एक लेटर लिख करके मुझको क्या किया, संगति में भेजा कैलिंगकोंग एलसदाय में। उस समय मम्मी लोग जाने नहीं दे रहे थे, नहीं माँ हमको जाने देना, कुछ दिन रहकर आ जाएंगे, पढ़ाई फिर कंटिन्यू करेंगे। बड़ा दादा भी बहुत गुस्सा हो रहा था, एक ही एक लड़की है और हम लोग में जो है साउथ इंडियन लोग में बहन को मतलब बहुत प्यार करते थे हमको, नहीं मतलब इधर उधर जाना है, घर में ही तुमको रहना है, पढ़ाई लिखाई करना है, तुमको अच्छा शादी कर देंगे, इधर उधर बोल करके वो लोग हमको बोलते थे भाई लोग। लेकिन एक मन में थी जाकर थोड़ा दिन देखेंगे कैसा क्या होता है बोल करके संगति वहाँ पर करने लग गई। उस समय पुराने दीदी लोग थे, मेरी बड़ी, अंजमित बड़ी और ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट नीलू दीदी तो अभी भी है, और पुराने दीदी लोग अभी कितने लोग हैं, अभी कितने लोग नहीं भी है, वैसे दीदी लोग के साथ में मतलब सेवा। एक तो मैं नेपाली नहीं जानती थी, दूसरा तो उनके भाषा मुझको नहीं आता था समझने के लिए, ना रंग मिलता था, ना रूप मिलता था, ना खाना पीना मिलता था, बहुत एकदम तकलीफ। और बाप रे, सुबह 4 बजे उठा देता था, घुटना में प्रार्थना करो, सोने का कोई ठिकान नहीं, दिन भर काम करो, ना पहनने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, मतलब इतना ज़्यादा खटाई। थोड़ा दिन को समय मिलता था विजिटिंग जाना है, रात को बोलता है हॉस्पिटल में जाके पेशेंट को देखभाल करना है, हॉस्पिटल से आने के बाद बोलता है बाज़ार जाके साग सब्जी लेकर आना है, और किचन ड्यूटी मिलता था इतना बड़ा बड़ा डिक्सी में खाना पकाना। जोशीला यहाँ पर है, ये सारे बातें जोशीला भी जानती, हमारे साथ कुछ दिन थी संगति में जोशीला बहन। तो इस प्रकार से वहाँ पर संगति साड़ी भी पहनना नहीं आता था, वहाँ के दीदी लोग हमको पकाना सिखाए, इस प्रकार से पकाना होता है, इस प्रकार से साड़ी पहनना होता है, इस प्रकार से सेवा करना होता है, इस प्रकार से प्रार्थना करना होता है, बोल करके हमको मतलब सिखाते गए। बहुत सारे बातें प्रियो में एलसदाय कैलिंगकोंग में जाकर सीखी, प्रार्थना का महत्व को जानी और उपास रहना जानी, और बहुत सारे बातें आत्मिक रीति से बहुत सारे बातों को जानने सकी। और जब वहाँ पर थी, वहाँ में बड़ी दीदी लोगों के साथ में मुझको विजिटिंग ले जाया करते थे, और इस नॉर्थ ईस्ट में कई बार 3 महीना के लिए, कभी 1 साल के लिए, कभी 8 महीना के लिए हम लोगों को सेवकाई के लिए भेज दिया करते थे, आते थे नॉर्थ ईस्ट में भी कई बार, उधर नागालैंड तरफ में और जगह में, बहुत सारे जगह में प्रभु के दास दासियों के साथ में मुझको आने के लिए मिला। इस बर्नी हार्ट में भी मैं कुछ दिन आकर संगति की सेवा की, और इस प्रकार से करते 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 कभी साल भर के लिए भेजते थे, कभी 6 महीने के लिए भेजते थे, कभी 3 महीने के लिए भेजते थे। और जब कैलिंगकोंग में होली कन्वोकेशन होता था अक्टूबर महीने या नवंबर महीना में, फिर वापस बुलाया करते थे हम लोगों को। इस प्रकार से करते हुए मेरा सारा ज़िंदगी मतलब वहाँ पर बीतते गई। बीच बीच में यहाँ पर घर में आती थी तो भैया लोग, माँ लोग, पिताजी भी बहुत हमको डांटता था, तुम इधर उधर जाती है, और भैया लोग भी तुम नहीं जाने देते थे। लेकिन मुझको वहाँ का संगति बहुत अच्छा लगता था, उन लोग के प्रेम, उन लोग के संगति, उन लोग जितने भी डांटने से मुझको खराब नहीं लगता था। क्यों? एक प्रकार का संगति, इतनी सुंदर संगति, उनके प्रेम,
मैंने वहाँ पर उधर पाया उन लोगों के साथ में। लगभग प्रियो मैं 9 बस वहाँ पर रही एलसीदय कैलिंगपुर में। प्रभु ने, मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु आप मुझको भाषा सिखाइए, मैं कैसे इन लोगों के बीच में सेवा करूँगी। प्रभु मुझको तो भाषा भी नहीं आता है, नेपाली पढ़ने भी नहीं आता है, प्रभु मुझको सिखाइए बोलकर प्रार्थना करती थी। प्रभु के अनुग्रह में प्रभु ने मुझको नेपाली बोलने के लिए भी सिखाया, प्रार्थना करने सिखाया, धन्यवाद देने के लिए सिखाया नेपाली भाषा में, और नेपाली बोलने भी सिखाया। इतना स्पष्ट तो नहीं बोल सकती हूँ लेकिन बोलना सिखाया वहाँ पर मैं। और करते 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 सेवा के लिए मैं प्रभु की बुलाहट को पाई, सेवा के लिए प्रभु के बुलाहट को मैं पाई। जो वचन से मैं बुलाहट को पाई, मेरे साथ निकालिए यहोशू के पुस्तक 24 अध्याय। चौबीस अध्याय का 14 और 15 कोई भी पढ़े। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा भलाई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की नित्य सेवा करूंगा। यहाँ पर 24 अध्याय का 14 पद में लिखा हुआ है, एक शब्द जो लिखा हुआ है, यहोवा की सेवा करो। 14 अध्याय का लास्ट पार्ट में यहोवा की सेवा करो, ये वाला वचन मुझको मिला। और यहाँ पर चुनने के विषय में 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, किसकी सेवा करोगे बोल करके, एक चुनाव के विषय में वहाँ पर मैं सेवा के विषय में। कितने लोग बोलते थे इतना दिन हो गया है ये लड़की संगति में है, सेवा भी नहीं कर पा, सेवा के लिए लोग बुलाहट पाए कि नहीं पाए, इन लोग को वापस भेजना है, इस प्रकार से बात बोलते थे। और नमसी दीदी बोलती थी, तिमी फेरी आको अलसदाई माँ की गण, वो पढ़नु नहीं हो गोयरा घर में, ऐसे भी कितने दीदी लोग ने बोला। तो मैं इस प्रकार के वचन को उन लोग को दिखाई, देखे ना दीदी इस प्रकार का वचन मुझको प्रभु देता है प्रभु की सेवा के लिए बोल करके। तो बड़ी आंटी लोग जो है, मेरी बड़ी और दूसरे बड़े लोग को मैं देखा, तो ये तो प्रभु को सेवा को लागी बुलाहट छा, प्रार्थना कर लूँ प्रभु अज प्रभु ला अजय शोधनू प्रभु का के इच्छा छा बने शोधनू ला बहनी प्रार्थना करनू ला बोल के इस प्रकार से हमको समझाते सिखाते। तो इस प्रकार के वचन और भी बहुत सारे वचन हैं प्रियो, मैं खोल खोल के नहीं दिखा पाऊँगी। और एक पद कन्फर्म होने के लिए ऐसे या 41:9 और 10 को पढ़ दीजिए। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने बुलाहट को, जो मेरे मुझे बुलाने के लिए प्रभु सेवा के लिए बुलाहट, इस प्रकार के बहुत सारे और भी बहुत सारे वचने हैं, मैं भी खोल के नहीं देखा पाऊँगी, ज़्यादा समय हो जाएगा प्रयोग। इस प्रकार से 9 वर्ष के अंदर प्रभु ने मुझसे बातें करते करते एलसीदय में संगति में कुछ दिन रखा, उसके बाद में प्रभु के बुलाहट पाने के बाद में प्रभु के सेवा के लिए मैंने इस प्रकार के वचन पाए। हनम कुंडा में एक प्रदीप अंकल थे जो बुक रूम का काम करते थे, आप लोग किसी को याद है, पुराना अंकल लोग को भाई लोग को याद होगा, हनम कुंडा में साउथ में एक भाई थे प्रदीप बोल करके, वो बुक रूम का काम करता था। तो वो भाई लोग क्या है, एक यूथ मीटिंग में जो जो सेवा करेंगे वो लोग आगे आइए, आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे बोल करके, यूथ मीटिंग के समय में जो सेवा करने वाले लोगों के लिए इस प्रकार से सबको आगे बुला करके प्रार्थना कर दिया, सेवा के लिए समर्पित किया है बोल करके। इस प्रकार से भाई, सेवक भाई वहाँ पर प्रार्थना कर दिया हम लोग को सेवा के लिए। उसके बाद वहाँ पर सेवा में रहने के बाद प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया सेवा के लिए समर्पित करते, अब वहाँ पर रह गए। यहाँ पर माँ और बड़ा भैया लोग भी बहुत गुस्सा आ रहा है, ये सेवा में बोलती है, घर में नहीं आती है, फ़ोन करके हमको बोलते हैं आओ तुमको कोई लड़का शादी कर देख के शादी कर देगा, तुम क्यों वहाँ पर में नेपाली लोग के साथ में रहती हो, क्यों वहाँ पर नेपाली लोग के साथ में रहती हो, तुम आओ घर में। लेकिन हमको घर में आने का मन नहीं करता था,
लेकिन वहाँ पर हमको अच्छा लगता था संगति के लिए, और सब बहन लोग का साथ में, दीदी लोग का साथ में, अंकल लोग का साथ में, आंटी लोग का साथ में रहते हुए इस प्रकार से संगति करते 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 अब वहाँ पर अच्छा लगने लग गया। तो नहीं माँ, हमको प्रभु ने बुलावट दिया प्रभु का सेवा करने के लिए, अब हम यहीं पर रहेंगे बोल करके। देखना तेरे लिए सोना का क्या क्या मैं बना दिया हूँ, आके तो देख, कान में, हाथ में, हम लोग साउथ के लोग तो बहुत पहनते थे वो सब, सब माँ हमको बना के रखी थी, शादी में लड़की को देना पड़ेगा बोल करके। मैं बोला माँ ये सब अभी मेरा कोई काम का नहीं है, तुम बिक्री करके कुछ काम में लगाओ ना बोल करके। मैं बोली अपने हाथ से खोल करके उनको दे दिया, कुछ काम में लगा दो माँ बोल करके। तो सारा सोने का सामान सब भी मैंने उतार दिया, मेरे जीवन में जो कुछ मतलब थी सब मैंने। अब भैया को भी बोला दादा मैं अभी घर वापस लौट के नहीं आऊँगी, मैं सेवा करूँगी बोल करके बोल दिया। इस प्रकार से सेवा करते 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 वो लोग चिंता करते थे मेरे लिए शादी ब्याह करने के लिए, कुछ कुछ पैसा भेज दिया करते थे, बेटी को तकलीफ होगा बोल करके। उस समय सेवा में बहुत तकलीफ था बहनों भाइयों, हाथ में पैसा नहीं होती थी, कभी कभी नहाने का साबुन नहीं हुआ करते थे, कपड़े खरीदने का पैसा नहीं होती थी, चप्पल खरीदने का पैसा नहीं होती थी, लेकिन एक प्रकार का आनंद खुशी मैं उसका व्याख्या वर्णन में नहीं कर पाऊंगी। इस प्रकार से मेरा जीवन वहाँ पर मैं बीतता गया, सेवा करते गए। प्रभु ने बहुत आशीष दिया, कितना सेवा करने लोग आगे निकले थे। कल रात को हमें बात दादा के साथ बात कर रहे थे, बहुत लोग सेवा करेंगे बोलकर आगे निकले थे लेकिन प्रभु के घर को छोड़ के चला गया। लेकिन मैं कभी भी नहीं सोची थी सेवा करूँगी, क्योंकि सेवा करने में बहुत दुख है, बहुत तरह का बात सुनना पड़ता है, जो काम नहीं किया उसको भी किया बोलता है, और इतना कठिनाई और मीटिंग का समय में इतना खटाई। लेकिन भी प्रभु का आनंद, प्रभु का शांति जो वर्णन से बाहर है वो मेरे जीवन में थी, जिसके कारण सब कुछ क्षण भर के लिए लगता था कुछ भी नहीं है बोलकर जैसे लगता था कर लेती थी। इतना कपड़ा कन्वोकेशन का समय में धोना पड़ता था, इतना बड़ा बर्तन पकाना पड़ता था, सुबह एकदम 4 बजे उठकर विदाई देना पड़ता था, ऐसा आने वाला दिन प्रतिदिन मेहमान, इतना। फिर भी प्रभु ने शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया सेवा करने के लिए। करते करते मेरा जीवन बीतते गया। लगभग 9 साल तक प्रभु की संगति में वहाँ पर सेवा में, वहाँ पर मैं कैलिंगफुंग एलसीदह में रही। तो शादी का प्रपोजल आता था तो मुझको स्वतंत्र नहीं होता था कि शादी करना है, क्योंकि सेवा करने वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है शादी करने से बोल करके। मैं सोचती थी नहीं, ऐसे ही रह के सेवा करना ठीक रहेगा, शादी करने से तो बहुत तकलीफ़ होगा, सेवा करने में बहुत दिक्कत है बोल करके मैं ऐसा सोचती थी। और कितने लोग तो प्रभु के घर को छोड़कर सेवा से भी चले गए, और मैं शादी करूँगी तो मेरे को और तकलीफ़ होगा बोल करके मैं शादी नहीं करूँगी बोल के सोचती थी। लेकिन यहाँ से घर से प्रेशर आता था, आओ तुम ऐसा लड़का देख दिया हूँ, आओ एक बार देख के तो जाओ कैसा है क्या है बोल करके। लेकिन मैं कभी भी नहीं प्रार्थना करती थी, प्रभु इसके लिए मैं क्या करूँ, प्रभु मुझको आप बताइए बोल करके मैं प्रार्थना करती थी। प्रियो, प्रभु ने कैसा उपकार किया। 2005 में उम्र तो हो रहा है, क्या करना है, शादी ब्याह करना पड़ेगा, नहीं करने से कैसे होगा, या तो ऐसे रहना पड़ेगा, प्रभु मुझको आप निश्चित कीजिए क्या करना है। 2005 में मुझको प्रॉमिस कार्ड मिला, आई विल बिल्ड दाई हाउस, बच्चे निकालिए मेरे लिए, मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा बोल करके। पहला इतिहास के पुस्तक 17:10 इंग्लिश में पढ़िए, किसके पास है तो। दिसंबर जो 31 में हम लोग प्रॉमिस कार्ड जो उठाते हैं उसमें मुझको ये वाला 2005 में दिसंबर महीना में 31 को ये प्रतिज्ञा मुझको मिला। लास्ट पार्ट पढ़े, 17:10 लास्ट पार्ट इंग्लिश में। Furthermore, I tell thee that the Lord will build thee a house. परमेश्वर मेरे लिए घर बनाएगा बोलकर यहाँ पर प्रतिज्ञा किया, मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा बोल करके
इस प्रकार से प्रतिज्ञा उस समय मुझको 2005 में मुझको ये प्रतिज्ञा मिला। तो रूबेन बड़ा वहाँ पर है, दादा जानते होंगे, अभी इधर में है, डोलमा आंटी, रूबेन बड़ा प्रभु के पास चला गया। डोलमा आंटी को जानते होंगे, रूबेन बड़ा की पत्नी हमारे जितेंद्र दादा जानते हैं, गैंगटॉक में है अभी वो सिस्टर। तो मैंने आंटी को दिखाया, आंटी डोलमा आंटी हेर्नुहोस् न यस्तो खालको प्रतिज्ञा मैले पाएँ, यो चाहिँ के भन्दछ भनेर मैले त्यस्तो सोधेँ। इस प्रकार से मैं उनको पूछी, तो बड़ी ने बोला बहनी प्रभुले तिमीलाई शादी को लागि घर बनाइदिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ बहनी, प्रार्थना गर्नुस् ल। इस प्रकार से वो बड़ी ने बताया। डोलमा आंटी आप लोग जानते हैं कितने लोग, रूबेन बड़ा की पत्नी, अभी गैंगटॉक में उसकी पत्नी रूबेन अंकल की वाइफ रहती है, उनको बताया। तो मैंने प्रार्थना किया, ये शादी नहीं करूँगी तो बोल के सोच रही थी, लेकिन प्रभु इस प्रकार का प्रतिज्ञा दिया है, प्रभु आपकी इच्छा क्या होगा मेरे जीवन में आप ही जानिए, बोल करके मैं उसको पसोप दी और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु एक एक वचन से मेरे को नहीं होगा, मुझको आप कन्फर्म कीजिए प्रभु आप क्या करना है, बोलकर मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी। एक वचन परमेश्वर ने और मुझको दिया, मत्ती के पुस्तक ने लुका के पुस्तक 1:28 पद, प्रभु तेरे साथ है, ईश्वर की अनुग्रह उस पर हुई है, बोल करके ये वाला प्रतिज्ञा मिला मुझको। तो मैं कंफर्म हो गई कि शायद प्रभु की यही इच्छा है कि शादी ब्याह कर कर ही मेरे को सेवा करना होगा, बोल करके मैंने कंफर्म हुआ। तो वही साल मेरा शादी का प्रपोजल आने लगा, भाई को मैं कभी नहीं देखी थी,